और बड़ी खबर राजधानी पटना के पीएमसीएच से, जहां एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्रों के साथ रैगिंग मामला सामने आया है। नेशनल मेडिकल कमीशन के निर्देश पर जांच शुरू। कमीशन ने छात्रों का स्टेटमेंट नोट किया है। एक महीने पहले की यह घटना बताई जा रही है। पीएमसीएच प्रबंधन ने साधी चुप्पी। तो बता दें कि फर्स्ट ईयर के छात्रों के साथ रैगिंग की घटना को लेकर अब ये मामला तुलपकड़ता जा रहा है और इस मामले पर जांच की शुरुआत नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम की तरफ से कर दी गई है। छात्रों का स्टेटमेंट तक दर्ज कर लिया गया है। एक महीने पहले की ये घटना बताई जा रही है। फर्स्ट ईयर के छात्रों के साथ रैगिंग की बात सामने आई है। हालांकि पीएमसीएच प्रबंधन की बात करें तो उनकी तरफ से पूरी तरह से चुप्पी साध ली गई है। बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पर पीएमसीएच में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्रों के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मरगो बालन जुड़ चुके हैं। मरगो, क्या कुछ जानकारी है, किस प्रकार छात्रों का स्टेटमेंट दर्ज कर आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी? लगभग डेढ़ महीना पहले की यह घटना बताई जा रही है। एमबीबीएस पीएमसीएच के एमबीबीएस के छात्र हैं और इन दो छात्रों ने आरोप लगाया है कि उनकी रैगिंग की गई, उनके साथ व्यवहार किया गया, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। और इस पूरे मामले में उनका यह भी कहना था कि उन्होंने इस मामले की शिकायत प्रिंसिपल से भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब अंततः उन्होंने पूरे मामले की जानकारी नेशनल मेडिकेशन कमीशन को दी और नेशनल मेडिकेशन कमीशन ने पूरे मामले में पीएमसीएच प्रशासन को जाँच का आदेश दिया था। उसके बाद कल और आज दोनों तीन छात्रों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। जो छात्र हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और फिलहाल पीएमसीएच प्रशासन का कहना है कि जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पूरी प्रक्रिया से मीडिया को दूर रखा जा रहा है। पूरे मामले पर पीएमसीएच प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन चूंकि नेशनल मेडिकल कमीशन बीच में आ गया है और नेशनल मेडिकल कमीशन ने पूरे मामले में जांच का आदेश कर दिया है, तो यह बाध्यता है पीएमसीएच प्रशासन की, प्रबंधन की, कि वो पूरे मामले की जांच करे और उसी जांच के लिए तत्काल छात्रों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया किया जा रहा है और फिलहाल पूरे मामले को गुप्त रखा जा रहा है। लेकिन यह पूरा मामला मीडिया में आ जाने के बाद पीएमसीएच प्रशासन ने पूरे मामले से मीडिया को दूर रखा है और फिलहाल पूरे मामले में जांच का आदेश हो गया है। जांच के बाद छात्रों की तरफ से किसी तरह की मांग भी रखी जा रही है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के ये छात्र हैं, इनके साथ रैगिंग की गई है। क्या इस पूरे मसले को लेकर क्या उनकी कोई मांग है प्रशासन की तरफ से, या फिर अगर पीएमसीएच के प्रबंधन की तरफ से अगर हम बात करें, क्या कोई मांग छात्रों की है? देखिए सभी, आपको पता होगा कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा गाइडलाइन है कि रैगिंग किसी हालत में नहीं हो सकती, तो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई होगी। हालांकि छात्रों का कहना है कि हमारे साथ जिन लोगों ने रैगिंग की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, उनको दंडित किया जाए। अब चूंकि जाँच चल रही है, जाँच के बाद जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई तय है, क्योंकि भारत सरकार का भी निर्देश है और सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है, उसी निर्देश के आलोक में कार्रवाई होगी। फिलहाल जांच के बाद देखना होगा कि नेशनल मेडिकल कमीशन को क्या रिपोर्ट भेजी जाती है और कौन कौन से छात्र चिन्हित हो पाते हैं और किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो पाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मरगो हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच के फर्स्ट ईयर के एमबीबीएस स्टूडेंट के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है, इस पूरे मसले को लेकर अब लगातार आगे जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि मीडिया कर्मियों को इस पूरे मसले से दूर रखने की कोशिश पीएमसीएच की तरफ से जारी है।